हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गुरवी नंदा और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे का जो निखार है वो कहीं गुम हो गया और आपकी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा बेजान और डल बन चुकी है, तो आपके साथ मैं एक ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जिसको यूज़ करने से ना कि आपके चेहरे का जो निखार है वो वापस आएगा, बल्कि आपके जो चेहरे की चमक है वो हमेशा बरकरार रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप भी को ही मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए एक खाली बाउल और फर्स्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है मच बेसन और सेकेंड हम इसमें ऐड करेंगे वो है मसूर दाल का, तो मैंने पहले से ही पीस कर इसे रखा हुआ है। और थर्ड हम इसमें ऐड करेंगे वो है संतरे के छिलके का पाउडर। तो आपने क्या करना है, संतरे के छिलके को सुखा लीजिएगा और उसका पाउडर बना लीजिएगा। और उसके बाद हम इसमें वो है एलोवेरा, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे वो है कच्चा दूध। ध्यान रहे कि आपको कच्चा दूध करना है, तो उसमें उतना कच्चा दूध ऐड कीजिएगा जिससे कि हमारा स्मूथ पेस्ट है जो बन जाए और हमारे स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो अभी इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, हमारा जो फेस पैक है वो बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने क्या करना है, पहले अपने फेस को अच्छे से साफ करना है। मैं यहाँ रोज़ वाटर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे कच्चे दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी फेस पैक को यूज़ करने से पहले हमें अपने फेस को जरूर क्लीन करना चाहिए ताकि जो भी हम अपने फेस के ऊपर यूज़ करें उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमें मिल सके। तो अभी इस फेस पैक को लीजिए और अपने पूरे फेस के ऊपर इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इस फेस पैक में हमने जिन जिन चीज़ों का यूज़ किया है वो स्किन को फेयर, ग्लोइंग और बेदाग बनाए रखता है, और अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी रिड्यूस करेगा। 15 मिनट इसे ऐसे ही लगा रहने दीजिएगा और उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया, रिजल्ट आपके सामने है। और जल्दी से जाइए और यूज़ कीजिए और मुझे इसके रिजल्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।